हे गाइस, कैसे आप लोग। रियलमी T300 कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था एंड सेल के टाइम पे हमने जो बेस्ट 5 ईयरबड्स अंडर 2000 का वीडियो दिया था उसमें मैंने इस TWS को नंबर 1 पे रखा था एंड काफी दिनों से मैं कंटिन्यूअसली इसको यूज कर रहा हूं, बट इसका डिटेल रिव्यू चैनल पर पोस्ट नहीं कर पाया था सेल की वजह से। बट आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा एंड क्या आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। मैंने इसको 2200 में परचेस किया था, बट करंटली अगर आप देखेंगे तो ये आपको 2000 रुपए के नीचे देखने को मिल रहा है। साथ ही कार्ड डिस्काउंट या फिर कॉइन को माइनस करके या फिर कूपन वगैरह ऐड करके आप इसको 1800 रुपए के नीचे भी परचेस कर सकते हैं। तो क्या अभी तक मैं इसको अंडर 2000 रुपीज में सबसे बेस्ट ईयरबड मानता हूं? चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एंड ब्लैक कलर के साथ साथ व्हाइट कलर वेरिएंट भी मैंने जुगाड़ किया था, तो कौन सा कलर आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है वो भी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस रियलमी T300 के बारे में सारा कुछ डिटेल में। तो अगर सबसे पहले बात करूं उसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो अगर आप केस को देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर वेरिएंट है इसका जो केस का ऊपर का हिस्सा है वो आपको मैट फिनिश डिजाइन के साथ मिलता है, जबकि जो व्हाइट कलर वेरिएंट है उसमें आपको ग्लॉसी फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। एंड ग्लॉसी होने के कारण व्हाइट कलर में आपको हल्का हल्का स्क्रैचेस देखने को मिलेगा, बट इस ब्लैक कलर वेरिएंट को मैं करीब 15 दिन से यूज कर रहा हूं, उसके मुकाबले जो स्क्रैचेस है वो बहुत ही कम देखने को मिला है। हल्का हल्का स्क्रैचेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट उतना नोटिस नहीं होता है। एंड कंपनी ने इस कलर को स्टाइलिश ब्लैक नाम तो दिया, बट एक्चुअली ये ब्लैक कलर नहीं है, हल्का आपको ग्रे टाइप का कलर में मिल जाता है, तो दिखने में थोड़ा सा ओल्ड टाइप का लगता है। साथ ही इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया, रियलमी जो लिखा हुआ है लोगो है या फिर लीड के अंदर में अगर आप देखेंगे तो दोनों कलर मिला के ना हल्का ओल्ड टाइप फील होता है, एंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ये कलर अगर मैं फ्रेंकली बताऊं। बट जो व्हाइट कलर है उसमें स्क्रैचेस तो आएगा, बट मुझे काफी अच्छा लगा। इवन अंदर के साइड में अगर आप देखेंगे तो जो कलर यूज करके वो भी इसको काफी अच्छा लुक देता है, तो कलर के हिसाब से व्हाइट वाला मुझे ज्यादा बेटर लगा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो रियलमी का लोगो यहाँ पर दिया गया, एक LED इंडिकेटर भी दिया गया। अगर बैटरी लो रहता है तो ये रेड कलर का ब्लिंक करता है, बाकी समय ये ग्रीन कलर का शो करता है। हालांकि केस का एग्जैक्टली कितना बैटरी परसेंटेज बचा है वो इसका जो रियलमी लिंक ऐप आता है उसके अंदर से जाके आप इजीली देख सकते हैं, तो इतना देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नीचे के साइड पर आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, बाकी जो लीड का क्वालिटी है जो मैग्नेट है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। एंड अंदर का जो ईयरबड्स है अगर आप इसको उल्टा करके इस तरह से गिराने की कोशिश करते हैं तो भाई बिल्कुल भी ये नहीं गिरता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ ये अटैच्ड है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो यहां पर भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाता है। जो ब्लैक वेरिएंट है इसका जो पीछे का हिस्सा है वो आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है, जबकि व्हाइट कलर वेरिएंट में आपको पूरा जो ईयरबड्स है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाता है। और ये जो ईयरबड्स है इसको अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट ओप्पो इंको AR2 प्रो या फिर AR3 प्रो के जैसा ही मिल जाता है, कुछ भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली जो फिटिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक यूज़ करना चाहते हैं तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड साथ ही इसमें आपको IP55 का रेटिंग मिल जाता है, तो स्वेट प्रूफ के साथ साथ डस्ट प्रूफ भी ये बन जाता है, तो वर्कआउट के टाइम पे आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फिटिंग बहुत ज़बरदस्त होने के कारण आपके कान से ये बिल्कुल भी नहीं गिरता है, बहुत ही सिक्योर फिटिंग के साथ ही आता है। और जो ईयर टिप है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिल जाता है। एंड ये स्टेम डिज़ाइन का ईयरबड्स है, तो ऊपर का जो हिस्सा यहाँ पर आपको टच सेंसर मिल जाता है। एंड टच फंक्शन के बारे में बात करूं तो इसमें रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। ऐप के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको बटन सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर जाके आपको डबल टैप में क्या चाहिए, ट्रिपल टैप में क्या चाहिए या फिर प्रेस एंड होल्ड करके क्या चाहिए, आप पूरा खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है, गेम मोड को ऑन ऑफ करना है या फिर वॉइस असिस्टेंट को यूज करना चाहते हैं, जो भी आपको जरूरत है आप पूरा कस्टमाइज इसके साथ कर सकते हैं। सो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी वाइज आपको बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं होगा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एक मार्केट एरिया में, एंड यहां पर आप देख सकते हैं जो सराउंडिंग साउंड है वो भाई बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ वगैरह यहाँ पर हो रहा है, जो भी पास से गाड़ी वगैरह गुजर के जा रहा है बहुत ज़्यादा हॉर्न मार मार के जा रहा है। तो चलिए अभी इसमें स्विच करके देखते हैं कि कितना नॉइज़ को ये कैंसिल कर पा रहा है। और अभी हमने स्विच कर लिया Realme 300 को, और ये जो वॉइस आप सही सुन रहे हैं ये पीछे माइक रिकॉर्ड कर रहा है, तो किस तरह का क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है वो आप समझ सकते हैं। नॉइज़ को कितना ये कैंसिल कर पाता है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है, देख सकते हैं भाई कितना ज्यादा यहाँ पर आवाज़ वगैरह हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ना। सो आपने देखा कि किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको इस ईयरबड्स में देखने को मिल जाता है। क्वाड माइक का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक एक ईयरबड में आपको दो दो करके माइक देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा जो कॉल क्वालिटी है वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है। लास्ट 15-20 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो मैंने बहुत ज्यादा इसको यूज करके कॉल रिसीव किया है, कॉल किया है, उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि कॉलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप इंडोर कॉलिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हैं या फिर आउटडोर कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। कॉलिंग के लिए ईयरबड्स परचेस करने के बारे में सोच रहे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप इस रियलमी T300 के साथ
जा सकता है, बहुत कमाल का कॉल क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड अगर बैटरी बैकअप में देखेंगे तो केस के अंदर 460 एमएएच के एक बैटरी का यूज़ किया गया है एंड सेपरेटली ईयरबड में 43 एमएएच करके बैटरी का यूज़ किया गया है। तो कंपनी के हिसाब से आप केस मिला के करीब 40 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं एंड सिंगल चार्ज में आप एक एक ईयरबड को करीब 8 घंटा तक यूज़ कर सकते हैं, विथ ANC आप इसको 6 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करके भी देखा, मैंने म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था करीब 60% वॉल्यूम में, विदाउट ANC भाई 7.5 घंटे से ऊपर मुझे बैटरी बैकअप देखने को मिला है। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप कंपनी ने जो क्लेम किया उसी के जैसा ही आपको मिल जाता है एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ईयरबड्स करीब 30 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है और अगर आप इसको 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो करीब 7 घंटे के आसपास आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट ANC मोड। तो मुझे नहीं लगता कि बैटरी बैकअप में आपको कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए एंड कनेक्टिविटी में आपको यहां पर ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कनेक्टिविटी है वो आपको काफी स्ट्रांग मिल जाता है। अगर आपका रूम में फोन रखा हुआ है, बाहर जाके यूज करें, बीच में 2-3 ऑब्स्टिकल्स है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है एंड ऐप के अंदर जाके आप ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को देख सकते हैं, नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही जो अलग अलग साउंड इफेक्ट आपको मिल जाता है आप खुद के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं एंड अलग से आप इक्वलाइजर क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम एनहेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, गेम मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड फाइंड माई फोन करके भी एक ऑप्शन दिया गया। अगर आप किसी भी ईयरबड को 4 बार टैप करते हैं तो आपका जो फोन है वो रिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो आप इस तरह से अपने फोन को भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरा बटन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है जैसा कि हमने पहले ही कहा, तो काफी सारा अलग अलग फंक्शन आपको इसके ऐप के अंदर मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इस Realme T300 के सबसे स्पेशल फीचर्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में। कुछ दिन पहले तक इस प्राइस रेंज में हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलता था, बट आजकल काफी अलग अलग TWS आ रहा है जो कि आपको ANC प्रोवाइड कर रहा है 2,200 रुपए के अंदर में एंड इसमें आपको अप टू 30 dB तक का ANC का सपोर्ट मिल जाता है। अगर बात करो क्वालिटी के बारे में, जिस एरिया में हमने कॉलिंग टेस्ट दिखाया आपको उस जगह पे मैं इसका ANC को भी चेक करके देख रहा था कि कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। एग्जैक्टली दिखाना तो आपको पॉसिबल नहीं है, बट चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मुझे एक्चुअली कैसा एक्सपीरियंस लगा था। इस प्राइस में आपको काफी सारे ईयरबड्स में ANC का सपोर्ट मिल रहा है आजकल, बट मैंने चेक करके देखा है कि उतना अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जब नॉइज आता है ना उसको अच्छे से कैंसिल नहीं कर पाता है, बट ये जो ईयरबड्स है वो कमाल के क्वालिटी के साथ आता है एंड ऑलमोस्ट जो बाहर का नॉइज है वो 60-70% ये कैंसिल कर पा रहा था, जो कि मुझे देख के बहुत शॉकिंग लगा, भाई इतने कम प्राइस के अंदर आने वाला एक ईयरबड्स है। एंड साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जहां पर ईयरबड्स को कान में लगाने के बावजूद जो बाहर का नॉइज है उसको आप क्लियरली आपके में सुन सकता है एंड उसका क्वालिटी मुझे बहुत कमाल का लगा। कोई भी बूस्टेड साउंड भी नहीं मिल रहा था, एकदम नॉर्मल साउंड मिल रहा था जो मैं ईयरबड्स को निकालने के बाद सुन रहा था। एंड साथ ही इस ईयरबड्स में आपको डुअल डिवाइस स्विचिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आप मल्टीपल डिवाइस एक साथ में यूज करते हैं तो आप किसी भी ईयरबड में ट्रिपल टैप करके एक डिवाइस से स्विच करके दूसरे डिवाइस में आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड फिर से अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो दूसरे डिवाइस से डिस्कनेक्ट होकर ये पहले डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप सीमलेसली इसको यूज कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए आपको Realme Link ऐप के अंदर जो बटन सेटिंग्स ऑप्शन है उसके अंदर जाके ऑन करना पड़ेगा, ट्रिपल टैप के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसका सपोर्ट आपको इस Realme T300 में देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें आपको 12.4 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर का यूज किया गया। तो डिटेल में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस आपको कैसा मिल जाता है एंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियरली सुनाई दे रहे हैं यहां से भी। तो लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है, मैंने आउटडोर में जाके इसको यूज करके देखा है। अगर आप ANC मोड को ऑन कर लेते हैं तो फिर आपको 50-60% वॉल्यूम में भी भाई बाहर का जो आवाज है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। तो अगर आप ट्रेन या फिर बस वगैरह में यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई लाउडनेस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर बात करूं क्वालिटी के बारे में तो भाई जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको बहुत कमाल का मिल जाता है, स्पेशली जो वोकल्स है वो एकदम आपको क्रिस्प एंड क्लियर मिल जाता है, साथ ही ट्रेबल का पार्ट भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। बेस आपको इसमें बहुत पंची देखने को नहीं मिलेगा, आपको डीप तरह का
का बेस मिलता है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड साथ ही साथ जो Realme Link ऐप के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, उन ऑप्शन को यूज करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको साउंड सुनना पसंद है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, जो ओरिजिनल मोड है वो मुझे इस बार काफी अच्छा लगा एंड सेरेनाडे में भी मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। बट जो प्योर बेस एंड डीप बेस करके जो इक्यू मोड मिलता है उसमें बेस का पार्ट बहुत हाई मुझे लग रहा था एंड जो वोकल्स है वो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मोस्टली मैं TWS को ओरिजिनल मोड में ही यूज कर रहा था एंड एक दो बार मैंने सेरेनाडे को भी यूज किया, उसका क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है बट उसमें बेस आपको काफी कम मिलता है। तो ओरिजिनल जो मोड है उसमें अगर आप यूज करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड उसके हिसाब से मैं आपको जज करके बता रहा हूं। इसके अलावा खुद से आप इक्वलाइजर क्रिएट करके भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह का भी साउंड सुनना आपको पसंद है एंड जो स्पेशल 360 ऑडियो का सपोर्ट इसमें दिया गया है, अगर आप ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन है कि कुछ कुछ सॉन्ग्स में या फिर कुछ कुछ एप्लीकेशन या फिर कुछ कुछ गेम्स में ही ये सपोर्ट करेगा। तो जब मैं इस मोड को ऑन कर रहा था तो जो साउंड है ना वो थोड़ा ज्यादा बूस्टेड मुझे लग रहा था, कुछ खास फर्क मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बट हाँ, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर आपका फोन भी सपोर्ट करता है तो उसके वजह से जो सराउंड साउंड है वो आपको काफी अच्छा इसमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो साउंड ग्रेड है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है, बट मैं बेस्ट नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि अंडर 2000 रुपीस में साउंड क्वालिटी के हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। अगर मैं रेटिंग दूं ना तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 8 रेटिंग देना चाहूंगा साउंड क्वालिटी के मामले में। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। Realme के C300 में कंपनी के हिसाब से आपको 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है, बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे 50 मिलीसेकंड तो नहीं लगा, उससे हल्का ज्यादा ही मुझे लेटेंसी मिला है, करीब 70-80 मिलीसेकंड में इसको जरूर कहूंगा। जब भी आप ट्रिगर कर रहे हैं तो हल्का सा देर से साउंड आ रहा है, बट अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस में गेमिंग करना चाहते हैं तो इस तरह का लेटेंसी आपको हर ईयरबड्स में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक ईयरबड सुन रहे हैं गेमिंग के लिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, हल्का सा जो लेटेंसी है उसके साथ आप मैनेज करके खेल सकते हैं। बट हाँ, वर्ड एयरफोन को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है गेमिंग के लिए अगर आप एक प्रो गेमर है, तो अगर आप एक वर्ड एयरफोन यूज कर रहे हैं तो भाई उससे बेटर कुछ आपके लिए हो नहीं सकता है, चाहे आप कितना महंगा कोई ब्लूटूथ डिवाइस क्यों ना यूज करें। सो गाइस, फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, मगर कंक्लूड करके आपको कहूं कि इस Realme T300 को आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, मेरे हिसाब से ना ये एक ऑलराउंडर TWS है जो कि आपको इतने कम प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें आपको ANC का सपोर्ट मिल जाता है जिसका क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, साथ ही कॉल क्वालिटी भी मुझे इसका बहुत कमाल का लगा है। इसके अलावा जो साउंड क्वालिटी वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है एंड जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो ईयरबड्स है वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है अगर आप लॉन्ग आवर्स तक यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको काफ़ी अच्छा मिलने के कारण मैं इसको एक ऑलराउंडर ईयरबड्स कहूँगा जो कि आपको 2022 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है। इस प्राइस में आपको और भी काफी सारा अच्छा ईयरबड्स मिल जाएगा, बट किसी में आपको ANC का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो किसी का कॉल क्वालिटी उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, या फिर किसी का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो इन सारे रीजन की वजह से ये मुझे एक परफेक्ट TWS लगा है एंड मैंने इसको 2200 रुपए में परचेस किया था, बट करेंटली जिस प्राइस में ये TWS अवेलेबल है 1700 रुपए 1800 रुपए में लोग परचेस कर पा रहे हैं इसको, उस प्राइस के हिसाब से मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि भाई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 1700-1800 रुपए में एक लूट वाला डील बन आता है। तो चाहे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं सेल के टाइम पे या फिर आप 2-4 महीना 6 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये 2200 रुपए के अंदर मिल रहा है तो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दी बेस्ट TWS है जितना भी मार्केट में अवेलेबल है अगर आप ओवरऑल देखेंगे। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो दो अलग अलग कलर वेरिएंट में ये TWS आपको मिल जाता है, साथ ही आप इसको फ्लिपकार्ट अमेज़न के साथ साथ Realme की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी परचेस कर सकते हैं। तो सभी वेबसाइट का बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक किए अगर मत जाइएगा, बिकॉज आप लोगों का एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, उसी वजह से आपको इतना डिटेल वीडियो चैनल पर देखने को मिलता है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह का डिटेल वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलता रहेगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।